हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ए सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर पॉइंट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर मेजर द लेंथ आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट एक्चुअल कैलकुलेशन। सो क्या करना है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम इस तरह स्केल ले लेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करेंगे, ये हम नाप लेंगे, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का। यहां से हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करें। उसी तरह 6 सेंटीमीटर का ले लेंगे, हम स्केल से ऐसा नाप लेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर सेम रेडियस से। इस तरह हम ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का सर्कल, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का सर्कल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हाफ से, इस तरह एक कंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करना है। इसको यहां पर रख के मोर देन हाफ लीजिए, यहां पर एक आर्क, उस तरफ एक आर्क। इसको कट करने के लिए यहां पर एक आर्क लेंगे, यहां पर एक आर्क लेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पर रख के क्या करते दोबारा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहां पर रखिए, यहां से एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। ये किस तरह ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल यहां पर इस तरह हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसको क्या क्या कर दीजिए, ये कंसेंट्रिक सर्कल, इसको चाहे तो आप यहां से इस तरह मिला सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कंसेंट्रिक सर्कल। इस तरह ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, एलों के नेम्स दे देंगे, इसको दे देंगे एक्स, और ये हो जाएगा ए, ये सी, एम, ये जो हो गया 6 सेंटीमीटर, इसको हम दे देंगे बी, और यहां पर से हम इसको टेंजेंट सर्कल ड्रॉ करना है। टेंजेंट सर्कल का मतलब क्या है, कि दोनों लाइंस इसके ड्रॉ करना है, तो हम इसको बाहर से इस तरह ले सकते हैं, ये टेंजेंट सर्कल हो जाएगा, ये यहां से एक लाइन, उसी तरह इसको, सॉरी यहां पर से ये टेंजेंट उतार सकते हैं, एक ये टेंजेंट हो जाएगा, दूसरा लाइन यहां पर हो जाएगा, ये टेंजेंट सर्कल, इस तरह लाइन आप दे दिए, इस तरह का आपका फिगर आ गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन यहां पर लिखना है, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ओ ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स, यहां पर लिखेंगे ओ एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये लिख लिया। सेकेंड वाला पॉइंट लिखेंगे हम, यहां पर रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ये अनदर हो गया, अनदर दे दिया। उसी तरह यहां पर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे बाइसेक्ट, बाइसेक्ट बाइसेक्ट ओ सी सच दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द ऑफ ओ सी। उसके बाद लिखेंगे फोर्थ पॉइंट ज्वाइन सी पी एंड सी क्यू, दस सी पी एंड सी क्यू आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट्स, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।